ओके, नाउ टुडे हम देखते हैं गैस वेल्डिंग क्या होती है। तो गैस वेल्डिंग में आपको मैं बताना चाहूँगा कि ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग होती है, जिसमें दो तरीके की गैस यूज होती है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरी एसिटिलीन। आपको इस इमेज के अंदर दो सिलेंडर दिखाई दे रहे होंगे, एक ब्लैक कलर का, दूसरा मैरून कलर का। ब्लैक कलर वाले सिलेंडर में ऑलवेज ऑक्सीजन फिल्ड रहता है और मैरून कलर वाले में हमेशा एसिटिलीन गैस फिल्ड रहता है। और सिलेंडर के ऊपर आपको एक प्रेशर रेगुलेटर दिखाई दे रहा होगा, उस प्रेशर रेगुलेटर पे दो प्रेशर गेज दिखाई दे रही होंगी। तो जो रेगुलेटर है ये गैस की सप्लाई को कंट्रोल करता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो चाहे वो एसिटिलीन हो। और जो ब्लैक कलर के सिलेंडर पे आपको दो प्रेशर गेज दिखाई दे रही है, वो प्रेशर गेज ऑक्सीजन के प्रेशर को बताती है। ऑक्सीजन का प्रेशर जो गैस वेल्डिंग में है वो 135 बार रहता है, और जो मैरून कलर का सिलेंडर है उसमें एसिटिलीन गैस का प्रेशर वो 15 बार रहता है। तो प्रेशर गेज आपको प्रेशर बता देगी कि इसमें इतना प्रेशर है, इसमें इतना प्रेशर है। उसके बाद ये रेगुलेटर होस पाइप आपको दिखाई दे रहे होंगे, ब्लैक कलर का और मैरून कलर का, जो वेल्डिंग टॉर्च से कनेक्टेड है। तो ये इन पाइप के थ्रू ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस जाती है। उसके बाद आपको टॉर्च पर दो वाल्व दिखाई दे रहे होंगे, नीडल वाल्व, एक ब्लू कलर का और एक मैरून कलर का। ब्लू कलर का जो नीडल वाल्व है वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई को कम या ज्यादा करता है, और जो मैरून का है वो एसिटिलीन गैस की वेल्डिंग को कम, सप्लाई को कम या ज्यादा करता है। फिर एक नोजल लगा हुआ है टॉर्च के साथ, और वो नोजल में से जब ये दोनों गैसेस मिक्स होके निकलती है तो एक फ्लेम जनरेट होता है, जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस इमेज में एक फ्लेम, ये वाला जो फ्लेम है नोजल से आगे, ये फ्लेम तीन तरीके का हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम। एक्चुअल में ये फ्लेम मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये न्यूट्रल फ्लेम है। इस फ्लेम के अंदर देखिए एक इनर फ्लेम है और एक आउट जो है उसका टेम्परेचर देखिए 3100 डिग्री सेल्सियस। हमें वेल्डिंग करने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ती है, और वो हीट हम कैसे उत्पन्न कर रहे हैं इस गैस वेल्डिंग के अंदर, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं। एक एसिटिलीन और ऑक्सीजन जब मिक्स होती हैं तो इनमें केमिकल रिएक्शंस होती हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में। तो आप ये न्यूट्रल फ्लेम जो देख रहे हो, इस न्यूट्रल फ्लेम में क्या होता है, ये इसमें इमेज में नेचुरल फ्लेम गलती से लिखा गया है, न्यूट्रल फ्लेम है, ठीक है। तो इस न्यूट्रल फ्लेम के अंदर क्या होता है, जो इनर कोन है वो 3100 डिग्री सेल्सियस, इतना ज्यादा टेम्परेचर वेल्डिंग के लिए बिल्कुल चाहिए। और जो आउटर है वो ब्लू कलर का है, देखो आउटर फ्लेम, उसका टेम्परेचर 1275 डिग्री है, ठीक है। ये तो है न्यूट्रल फ्लेम। और न्यूट्रल फ्लेम में मैं बताता हूं कि ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस 1:1 बाय वॉल्यूम, अगर एसिटिलीन 1 है तो ऑक्सीजन भी 1 होगा, 1:1 मेंटेन रहता है, तभी न्यूट्रल फ्लेम बनता है। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं देखिए ये है कार्बोराइजिंग फ्लेम। एज द नेम इंडिकेटेड, नेम बता रहा है आपको, कार्बन, कार्बोराइजिंग, हमें कार्बन की मात्रा बढ़ानी है, और कार्बन एसिटिलीन गैस के अंदर होता है। अगर हम एसिटिलीन गैस की मात्रा को बढ़ा दे इस वाल्व के थ्रू, ये जो वाल्व लगा हुआ है मैरून कलर का, इसको खोल देंगे तो एसिटिलीन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब एसिटिलीन गैस की मात्रा बढ़ जाएगी तो जो फ्लेम बनेगा वो कार्बोराइजिंग फ्लेम बनेगा, और जिसमें एक इनर फ्लेम रहता है उसका व्हाइट कलर है, फोटो में देख सकते हो, और इंटरमीडिएट रेड, जो इंटरमीडिएट फ्लेम है वो रेड कलर का होता है, जस्ट लाइक ए कोन,
और जो आउटर फ्लेम है वो ब्लू कलर का होता है कार्बोनाइजिंग फ्लेम में, और एक सो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम बनता है। तो तीन तरीके के फ्लेम बनते हैं, ठीक है। जो न्यूट्रल फ्लेम होता है उसके द्वारा मैं बता देता हूँ आपको, कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील और लो कार्बन स्टील एलुमिनियम, इनकी वेल्डिंग की जाती है। कार्बोराइजिंग फ्लेम में जिसमें हम एसिटिलीन की मात्रा को बढ़ रहे थे, वो मीडियम कार्बन स्टील और निकल दो तरीके के मटेरियल के लिए सुटेबल रहता है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम जो होता है वो ऑक्सीजन फ्री कॉपर एलोइज, ब्रास, ब्रोनोज एंड जिंक बेस मटेरियल, इनके लिए यूज किया जाता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा हीट जनरेट कैसे होता है इस वेल्डिंग में। ये फ्लेम देखिए, कार्बोराइजिंग फ्लेम, जिसमें देखिए वाइट, लेकिन ये इनर जो फ्लेम है थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है। न्यूट्रल फ्लेम में देखो छोटा सा दिखाई दे रहा है। उसके बाद ऑक्सीडाइजिंग में व्हाइट फ्लेम, इनर फ्लेम जो है देखो बिल्कुल छोटा दिखाई दे रहा है। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम से इसलिए कटिंग भी हो जाती है मेटेरियल्स की, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं, ये देखिए आपको कुछ दिखाता हूँ। ये ऑक्सीजन सिलेंडर में देखो 135 बार प्रेशर है जो आपको प्रेशर गेज बताएगा, और जो एसिटिलीन सिलेंडर है उसमें 15 बार प्रेशर है। न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम में आप देखो कि जो गैसेस का रेशियो 1:1 है, और जो मटेरियल है कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील, एलुमिनियम, इसके द्वारा वेल्डिंग किया जाता है। इसमें देखिए इनर फ्लेम का टेम्परेचर 3100 डिग्री सेल्सियस और आउटर का 1275 डिग्री सेल्सियस। कार्बोराइजिंग में देखिए, अब ये मीडियम कार्बन स्टील और निकल के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए जो फ्लेम है इसमें, इनर फ्लेम में तो 2900 डिग्री है आउटर फ्लेम देखिए, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम देखिए, इसमें हम ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक है। और ये जो है किस मटेरियल के लिए है, देखिए दी फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग ऑक्सीजन फ्री कॉपर एलोइस, ब्रास, ब्रोनोज एंड जिंक बेस मटेरियल, इनके लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें देखिए 3300 डिग्री जो इनर फ्लेम का टेम्परेचर है। अब देखिए इसमें दो रिएक्शंस होती है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी रिएक्शन में देखिए एसिटिलीन C2H2+ ऑक्सीजन, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन, दिस विल गिव यू क्या दे रहा है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस और प्लस हीट, जो हमें हीट चाहिए वेल्डिंग के लिए मिल गई इस प्राइमरी रिएक्शन में देखो। और सेकेंडरी रिएक्शन में देखो, सेकेंडरी रिएक्शन में क्या हो रहा है, प्राइमरी रिएक्शन का प्रोडक्ट देखो आप, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये हमारा जो एटमोसफियर है इससे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आता है, ऑक्सीजन मिलता है। ऑक्सीजन मिलने के बाद देखिए क्या प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस डेल्टा है हीट एच। डेल्टा एच क्या है, हीट, और ये बहुत ज्यादा हीट है, इनकम जितनी हीट प्राइमरी में हमें मिली थी प्राइमरी रिएक्शन में, उससे भी ज्यादा हीट हमें सेकेंडरी रिएक्शन में मिल रही है। और इसी हीट से हम क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं हम। कास्ट आयरन इज बेस्ट वेल्डेड बाय यूजिंग गैस वेल्डिंग विद न्यूट्रल और स्लाइटली ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, ठीक है। देखिए इफ एसीटोन कम्स आउट, अगर एसीटोन बाहर आता है तो क्या होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और फ्लेम का कलर पर्पल कर देगा। उसके बाद फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ C2H2, मतलब एसिटिलीन के 1 मोल को जलाने के लिए हमेशा 2.5 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड रहेगा। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉपर कंबशन चाहिए तो आपको 1 मोल एसिटिलीन और 2.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन देना पड़ेगा, जब ही कंप्लीट कंबशन होगा, नहीं तो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा अगर आप इसकी मात्रा को चेंज करते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और काफ़ी समझ में आया होगा गैस वेल्डिंग के बारे में। और भी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलती रहें।